तो आ गई हमारी बिरयानी मैगी, आधी है और आधी पता नहीं रख ली है कि नहीं रख ली पता नहीं चल रहा है, आधी है इतनी, मतलब इतनी होती है 60 रुपए की। ठीक है भाई, नहीं हम सीखने आए, सीखने के लिए 5 बजे स्टार्ट है, 5 से 5:30 या 6 बजे तक। और क्या क्या प्रोफेशनल लोग डांस करते हैं, सीख चुके होते हैं ना, वो डांस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप सब लोग ठीक हो गए एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मेरी क्लास तो हो गई है और अब हम लोग चलते हैं वापस अपने हॉस्टल। ठीक है, तो हॉस्टल चलते हैं, कुछ भूख लग रही है, कुछ खाते हैं, इस बार सोचते हैं यार पोहा वोहा नहीं लेंगे, इस बार कुछ और ट्राई करते हैं। ठीक है, सो रहे यार, थोड़ा मेरी हेल्थ भी खराब हो रही है यार, मैं थोड़ा मोटा हो गया था जब मासी घर गया था, तो जिम विम करने लग गया था, तो जिम विम हो गया था तो एकदम बॉडी वॉडी बन गई थी, थोड़ी बहुत तो बन गई थी, मतलब फ़र्क आ गया मेरा यार, बहुत पतला हो गया हूँ यार, अगर दिख रहा हो तो बहुत पतला हो गया। तो थोड़ा सोच रहा हूँ यार सेहत पे ध्यान दूँ यार, थोड़ा फर्जी का आइटम खाना बंद करूँ, उसी पैसे से मैं कुछ और अच्छा आइटम खाऊँ, जैसे बनाना शेक मेरा पीने का मन करा तो बनाना शेक पीने चलते हैं, वही लांबा जूस के यहाँ जहाँ हमने आपको दिखाया था। ठीक है, तो चलते हैं। हाँ दीप भैया, ध्यान से पीछे गाड़ी आ रही है, मेरे नमन भाई को टोक जाएगी। जी लोगे तुम साले, एक ही साल की बात है, उसके बाद 3 साल अकेले तुम रहना, तो 200 साल तुम्हारे भाई, तुम मिलते तो रहोगे, कुछ हो जाएगा तो भाई मिल नहीं पाएंगे भाई साहब। क्रिकेट खेल रहे, देखो एक बार क्रिकेट खेल रहे, सूरज कितना अच्छा लग रहा भाई, बहुत अच्छा लग रहा है सूरज मामू हमारे। ठीक है, तो गाइस अभी थोड़ा सो हो गए थे, तो अभी दीप ने मुझे बुलाया और थोड़ा नींद खुली और मिल ले, तो भाई उठे हैं, मतलब सो गए थे, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, आते ही सो गए, सर बहुत दर्द कर रहा था। तो अभी 5 बज गए करीब, 5:15 हो रहे हैं, नाश्ता हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद मैंने एक भांगड़ा क्लास ज्वाइन किया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा मुझे भांगड़ा क्लास ज्वाइन किया हुआ है, उसमें हम लोग को जाना है, सीखना है फिर से, या जा रहे हैं 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है क्लास, हम लोग लेट हो गए थोड़ा, हम लोग वीडियो बना रहे थे अपना, कोई वीडियो शूट कर रहे थे, प्रोफेशनल वीडियो शूटिंग, तो में सब प्रोफेशनल होता भाई, तो वही मतलब शूट कर रहे थे, तो इसलिए लेट हो गया। अभी हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, ये बाहर से कुछ खा लेगा, ठीक है, इसको कुछ खाना है क्योंकि इसका मैस है नहीं, और मतलब मैस है पर शाम को नहीं मिलता है, बेसिक इसका और मेरा स्टैंडर्ड है, तो शाम को मुझे मिलता है, तो मैं जा रहा हूँ अपने मैस, ठीक है, और ये जा रहा है बाहर से खा लेगा, ठीक है, कुछ खाने पीने, तो हम लोग मिलते हैं। ठीक है, जल्दी चलते हैं क्योंकि 5 मिनट मिलते हैं 5 मिनट में। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आपका भांगड़ा क्लासेस, मैं आपको दिखाऊंगा भांगड़ा कैसे किया नहीं आता है, मतलब कैसे करते हैं, बोलो, हम लोग खुद सीख रहे हैं, दिखाएंगे आपको, ठीक है, पूरी बात बने रही है हमारे वीडियो के साथ। ठीक है, तो गाइस अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ा बन रहा है, तो यहाँ से रास्ता है नीचे से, तो नीचे से हम लोग चलेंगे, यहीं पर मतलब क्लासेस होती हैं, सिखाया जाता है, तो यहीं से हम लोग चलते हैं नीचे, रास्ता है यहाँ से, थोड़ा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो थोड़ा यहाँ से आ चुका हूँ जी, आया हूँ यहाँ पर, यहाँ से थक गए हैं, प्रोफेशनल लोग डांस करते हैं, सीख चुके होते हैं ना, वो डांस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो वही है, लेकिन मजा आया, थकावट काफी होगी, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि यार वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो ऐसे अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं, कभी कल को कोई टोक दे मुझे कि वीडियो क्यों बना रहे हो, वीडियो अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया नहीं, लेकिन डांस खूब किए, मजा आया, नहीं भी कर पाया था तब भी मजा आ रहा, कोई बात नहीं, सीखेंगे ही, है कि नहीं दीपकू ने, को जल्दी सीख जाएंगे, सीख जाएंगे, एक ना एक दिन सीख जाएंगे, जब सब कर सकते तो हम क्यों, हम कौन सी खेत की मूली है ना, हम भी सीख जाएंगे, सही बात है ना, छोटे छोटे लड़के भी कर ले रहे हैं भाई, बहुत अच्छा कर रहा था, अच्छा भी कर रहा था। चलो हम लोग चलते बाहर, ठीक है, पसीना पसीना हो गया है, मैं पानी हो गई, पानी हो गया। तो गाइस हम लोग आए थे सिर्फ 15-20 मिनट के लिए डांस करने, भांगड़ा वो भी कितनी देर, 40 मिनट चल के आए, 40 मिनट चल के आए भाई, 20-25 मिनट लग जाता है आने में, 20-25 मिनट लग जाता है जाने में, 1 घंटे का सफर हो जाता है सिर्फ 20 मिनट के लिए, सिर्फ 20 मिनट डांस करने के लिए, 1 घंटे जितना कोई होगा, हाँ, हमसे बड़ा दिल किसी का होगा जो इतनी मेहनत करता है, पढ़ाई में भले ना करे और सब चीज़ में जरूर करते हैं हम लोग, बिल्कुल। तो भाई तो अभी हम लोग बस रास्ते में ही हैं, बस 15 मिनट की दूरी और बची हुई है हमारे हॉस्टल की, 15 मिनट चल आ चुके हैं और यात्रा सक्सेसफुल हो गई है, 15 मिनट आ गए हैं, 15 मिनट और का रास्ता बाकी है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि थोड़ा टाइम पास किया जाए, टाइम पास होता है,
नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप दिल की बात आप ही लोग से कह सकते हैं ना, क्योंकि आपकी मेरी फैमिली हो, असली दोस्त आपकी यही है, असली हम ही है, असली दुख के साथी और सुख के साथी हम ही है, ठीक है। तो आ गए हम लोग कॉलेज, अभी शाम के बज गए भाई 6:30 करीब, और बस उसके बाद फिर कुछ खा भी नहीं सकते भाई, पैसा खर्च कर ही दिए 50 रुपये, बार बार 50 रुपये के ऊपर खर्च नहीं कर सकते भाई, क्योंकि थोड़ा सोचा हूँ ना 85 रुपये रोज खर्च, 1500 रुपये महीने वैसे खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा खा सकते हैं, लेकिन सोचते हैं ज़्यादा लिमिट में चलना चाहिए भाई, ऐसे आन तन कुछ भी खाओ, 50 का खाए अभी फिर 100 रुपये उड़ा देंगे, फिर 150 रुपये, फिर कुछ ना कुछ खा ले, 40 रुपये का मिलता है, 50 रुपये का सोच रहा हूं मैं, पीना है मजाक नहीं, खा नहीं मजाक करते रहते हैं, चलना तो चल रहा हम लोग चलते हैं, चलो ठीक है पीते हैं, चलो ओरियो शेक पीते हैं, ठीक है चलो। दी भाई ओरियो शेक, तुम रोज रोज ओरियो शेक पीते, कुछ और नया ट्राई कर लिया करो ना, आज सोचे तो क्या लांबा हुआ? भाई के पास आए, लांबा जूस के पास आए हैं, ब्रेक पास आए हैं, कोई नई चीज ट्राई कर लिया करो, तो वही ओरियो शेक तुमने क्या तुम दियो, हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं ना ओरियो शेक, पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो हम उनके तुम ट्राई कर चुके हो, बिस्कुट डाले भैया तोड़ के, चलो ठीक है, नहीं नहीं भैया ईमानदार है, ऐसी बात नहीं है, तभी नहीं पास आते दौड़ के, तो ये सब शेक रहते हैं, हमने सोचा कुछ नया ट्राई करेंगे, लेकिन नया मतलब वही फ्लेवर सब डाल देते हैं, ओरियो शेक में चलो ये सही है, और बनाना शेक पी सकते हैं, और दो तीन आइटम जो है ओरिजिनल है, बाकी सब फेक रहते हैं, मतलब फ्लेवर डाल देते हैं वनीला वनील में या स्ट्रॉबेरी में, सब फ्लेवर डाल देते हैं, तो भैया 50 रुपये खर्च कर रहे थे, कभी अच्छा पिए कुछ है ना, तो इसीलिए थोड़ा ओरियो शेक पीने आए हैं, और दीप भैया बैठ गए हैं, हम भी बैठ जाते हैं, ठीक है मटर की तरह बिस्कुट तो नहीं ले लियो उसके रात, बिस्कुट इसके अंदर रहता ना, मैं बिस्कुट तो नहीं ले लियो उसके, नहीं है खोखा था, ले मेरे सामने डाला, मेरे नहीं दिखाया, लेकिन मेरे सामने तो आम डाला है, हम देखें। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं नेस्कैफे की तरफ, और यहाँ मैगी खाने आए हैं, बिरयानी मैगी, तो दीप ने ऑर्डर किया है बिरयानी मैगी, देखते हैं कैसी है, 60 रुपये की है, देखते हैं कैसी है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है प्लीज रिंग द बेल इफ यू आर हैप्पी विद आवर सर्विस, अगर खुश हो जाएंगे भाई खा के तो बजा के जाएंगे घंटा, ठीक है पक्की बात है ना। तो आ गई हमारी बिरयानी मैगी, आधी है और आधी पता नहीं रख ली है कि नहीं रख ली, पता नहीं चल रहा है, आधी है इतनी, मतलब इतनी होती है 60 रुपये की, ठीक है ये बिरयानी मैगी है, बाकी सिंपल मैगी 40 रुपये की भी आती है, तो ये 60 की है, ठीक है बिरयानी टेस्ट करते कैसे देख लेते हैं भाई, अच्छी होगी तो घंटा बजा के जाएंगे, पक्की बात है ना दीप, तुम पहले तुम बजाओगे, ठीक है भाई डील डन है, अभी बचा हाँ इसका ही बचा हुआ, अच्छी लगी ना, अच्छी अब घंटा हो जाओ, तुमने वादा किया था ना घंटी हो जाओ, बेल तो नहीं बोला, मैंने बोला ही नहीं है, नहीं नहीं रिकॉर्डेड है, घंटी हो जाओ, तेज हो जाओ ना, तेज से तेज हो जाओ ना, हाँ बारी बारी नहीं किसी के, चलो हो गया, चलो चलते ठीक है, हो गया ना बजा दी, अच्छी लगेगा ये, एक खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चलो ठीक है, मैगी चलो हमने हाथ में पकड़ ली है, और रास्ते में खाएंगे क्योंकि पानी की प्यास बहुत लग रही है, पानी की प्यास लग रही है, हाँ पानी पर लग रही है, बॉटल में पानी है नहीं, ठीक है अभी हम चलते हैं। रात के बज गए 7, दी अपने हॉस्टल चला गया है, मैं भी अपने हॉस्टल आ गया हूँ, और सर मेरा काफ़ी दर्द कर रहा है, मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ, ठीक है आराम आराम कर लेते हैं, फिर रात को 9 बजे खाना ना खा लेंगे, ठीक है तो अभी आराम कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेते हैं, सर बहुत दर्द कर रहा है, उसके बाद कुछ खा लेते हैं, ठीक है उसका सो जाएंगे, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने रूम में और आराम करते हैं। तो गाइस मैं पागल हो जाऊँगा, मैं सो गया था और रात के 10 बजे उठाऊँ, ठीक है, और 9:30 तक खाना रहता है मेस में, उसके बाद आओगे तो खाना नहीं मिलेगा, रात के 9:30 तक रहता है, मैंने आपको बताया हुआ, तो भाई खाना तो हो नहीं पाया, भूख बहुत तेज लग रही है, और करीब अब बज रहे हैं, अभी समय बज रहे हैं 11:30 बज रहे हैं, ठीक है मुझे भूख में कंट्रोल करता, मैं सो रहा था कि चलो सो जाऊँ यार, किस तरह सो जाऊँ या किस तरह जो भी है टाइम पास कर लूँ, पैसे ना वेस्ट करूँ, क्योंकि मैंने पैसे बहुत खर्च कर लिया आज, ओरियो शेक भी पी लिया, मैगी भी खा लिया, मतलब सब कुछ कर लिया, अपने लिए भी कुछ खा लिया था, तो भाई ज़्यादा पैसा खर्च हो गया, फिर हम कह अब, लेकिन भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, 10 बजे से मैं बैठा हूँ कि चलो नहीं खाऊंगा, पर 11:30 बजे लेकिन भूख बहुत तेज लग रही है भाई, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं कहा होगा जो होगा देखा जाएगा, मतलब बात पैसे की नहीं है, बात ये कि ना खर्चे के हिसाब से अपने हिसाब से करना पड़ता है ना भाई, अपने हॉस्टलर हो आप ना, तो अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, लेकिन इस बार भाई भूख ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जा रहे हैं कुछ खाने, 11:30 बज गया, ये खुला रहता है ना 24/7, मैंने आपको बताया वो 24 घंटे खुला रहता है, तो हम लोग जा रहे हैं सैंडविच खा लेते हैं भाई, और साथ में एक माजा पी लेंगे, ज़्यादा होगा बस इतना पी के चलेंगे ऊपर अपने रूम में, ठीक है तो चलते हैं, वो सामने ही है ये है, तो खा लेते हैं कुछ, ठीक है तो गाइस मेरा खाना ना हो गया है, और
हो गया भैया, 12 भी बज गए हैं, करीब 12 बजने वाले हैं, करीब हो गया, और अब जा रहे हैं सोने, थोड़ा वीडियो एडिटिंग भी कर देंगे, ठीक है। और आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आगे मैं और ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जब भी आप सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लेना, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।